हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो दिस ब्लॉग विल बी फूड ब्लॉग और जो कि होने वाला है एक रेस्टोरेंट चेन का यानी कि QSR और वो बिल्कुल अपने राइट पे खड़ा हुआ है। हालांकि इस वीडियो में मुझे मेरा रूममेट भी ज्वाइन करने वाला है। हाथ दिखा दो। सो ये वीडियो इस बार मैं अकेले नहीं बनाने वाला हूँ और एक और शायद कैमरामैन भी आएगा साथ में। हालांकि अगर चलिए फिलहाल नाम दिखा देते हैं आपको इस रेस्टोरेंट का। सो दिस प्लेस इज़ ग्रिलिन एंड आई ऑल्सो फाउंड दिस प्लेस बाय वर्ड ऑफ माउथ, मतलब कि काफ़ी चर्चे में रहता है ये प्लेस। Okay, let's have an interaction with the happy customers here and ask for the reviews of the food. So are you visiting here first time? Yeah, this is the first time. Okay. So, आपको first time के हिसाब से review आप बताइए कि आपको कैसा लगा यहाँ खाना? काफी better है, काफी tasty है। काफी tasty है। What you had? I had a paneer wrap. Okay. And a pasta and fries. Fries were delicious. अच्छा। So, आपका जो ordering देखकर के लग रहा है आप vegetarian हो? नहीं। नहीं। आपका रिव्यू बहुत अच्छा लगेगा और लेट्स हैव कि देखते हैं आपके हिसाब से भी मेन्यू में वी विल हैव प्राइस आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से। एंड दिस इज आवर चैनल सो यू कैन सब्सक्राइब हियर टू और आपको साथ साथ इसमें गिव अवे चल रहा है तो आप वहाँ उसके लिए भी पार्ट कर सकती है। नाइस मीटिंग यू। सो बेसिकली दिस इज़ अ QSR, मतलब कि एक फ्रेंचाइज चेन बोल सकते हैं आप इसको और इंडियन QSRs की तरह ये आ रहा है क्योंकि आप इनका मेन्यू चेकआउट करेंगे तो जैसे कि QSR का एक मेन्यू होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही इनका मेन्यू है और काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे, नॉट टू हाई, ठीक है, मतलब कि एक स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। सारा प्राइसिंग उतने रेंज पे ही है। जैसे कि मैं आपको कुछ बता दूँ कि इनके क्या क्या रेंज है। बर्गर्स के रेंज है, पिज़्ज़ास के रेंज है, पास्ता, रैप्स और फिर सैंडविचेस, स्नैक्स, डेजर्ट्स और ड्रिंक्स में भी है और फ्राइड चिकन के पास भी है इनके पास। ओके, तो फ्राइड चिकन वगैरह सब भी सारे कुछ है तो KFC को ये टक्कर देने का हिम्मत रखता है, देखते हैं। हालांकि इनके मेन्यू काफ़ी ही एक्साइटिंग है और जैसे कि फ्राइज़ में भी हम ट्राई ज़रूर करेंगे क्योंकि हमें पहला रिकमेंडेशन मिला है यहाँ पर उसका, तो लेट्स चेक इट। और जो भी हम लोग इसे यहाँ ऑर्डर करने वाले हैं इसके बाद अभी थोड़ी देर पर दिखाते हैं, तब तक आप थोड़ा सा यहाँ का व्यू एंजॉय करें। So, पहले मैं समझा देता हूँ हम लोगों ने मंगाया क्या क्या है। सो ये हमारा वेज पिज़्ज़ा है, ठीक है, और ये फ्राइड चिकन है, ठीक है, मतलब जो बोनलेस पीसेस है, ठीक, और ये वेज बर्गर है और साथ में यहाँ पे हमारे लिए रैप है और जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो आने वाला है, वो हम लोग शुरू में ऑर्डर करने भूल गए थे, फिर जब रिकमेंडेशन हमें मिला तो उसके बाद हमने ऑर्डर कर लिया है, ठीक है। साथ में यहाँ पे तीन लोग हैं, एक कैमरामैन, एक रीलर और एक मेरे लिए कोक, ठीक है, मतलब कि इस ब्लैंक कोक है, मतलब कि इसमें कुछ भी मिक्स नहीं है, ठीक है। सो वी विल बिगिन विद द पिज़्ज़ा फर्स्ट। सो पिज़्ज़ा के बारे में बात करूँ तो सॉफ्ट बेस वाला पिज़्ज़ा है, यानी कि जैसे आप पिज़्ज़ा हट में खाते होंगे तो वो वाला बेस वाला पिज़्ज़ा है। और टॉपिंग्स की बात करूँ, ऑनियन, कैप्सिकम एंड टोमेटो। ओके, तो एक अच्छा पिज़्ज़ा बेस का मतलब कि जो आप डिमांड देखेंगे तो क्या होता है कि जैसे इसका जो बेस होता है उसमें जाला या नेट बनना चाहिए जो कि यीस्ट फर्मेंटेशन से बनता है, तो मेरे हिसाब से ये पिज़्ज़ा पास है और पिज़्ज़ा के हिसाब से ठीक है, मतलब सॉफ्ट बेस पिज़्ज़ा है। ओके, नाउ लेट्स गेट हैंड डर्टी ऑन द बर्गर, ठीक है। तो बर्गर ये आपका जो है चिकन बर्गर है, ठीक है। ओके, तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मेयो दिख रहा होगा और फ्राइड चिकन है बोनलेस वाला, टोमेटो, कैप्सिकम और कैबेजेस है, तो
लेट्स हैव अ बाइट. सी ये बर्गर अपना प्राइस को बहुत जस्टिफाई करता है. आई मीन इट्स ऑसम, बहुत अच्छा है, मतलब कि अपने प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी टेस्टी है. यू मस्ट हैव दिस. ठीक है, अब ये जब मैं आपको दिखा रहा था इसके बारे में ट्राई करेंगे. ये मैं टच कर रहा था तभी इतना क्रिस्पी लग रहा था. आई कैन से कि ये KFC के लिए बहुत अच्छा टक्कर होने वाला है. लेट्स हैव इट. चेक इट आउट, बोनलेस पीसेस है इसमें और काफ़ी अच्छा बाहर से क्रस्ट है, काफ़ी क्रिस्पी फ्राइड है और जैसा इसका नाम है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है. आई मीन कास्ट में इसका आपको क्रंच ना सकता. माइक पास करो सर, ऐसे क्रंच भी दिखा दें. हो सकता है आपको साउंड आया हो इसे क्रिस्पीनेस का. ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द रैप. सो हम लोगों ने रैप जैसे ही ओपन किया था उसके साथ साथ में हमारा प्राइस भी आ गया है. आई मीन लुक एट द टेक्सचर. ये आई मीन रैप छोड़ो, पहले पहले प्राइस ही दिखा देते हैं. ये देखिए, ठीक है, इतना क्रिस्प है. सो ये जो आप देख रहे हैं कि ये QSRs का रैप होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है. मतलब कि आपको लगेगा ये अंडरकुक्ड है, बट ये रैप ऐसा ही होता है, गोरा चिट्टा सा. और जैसा आपको स्टॉल्स पे मिलता है ये वैसा एकदम, मतलब डीप फ्राइड टाइप का, एकदम कुरकुरा सा नहीं होगा, ये सॉफ्ट रैप होता है. ठीक है, और ये वेज रैप है. इसमें आपको बड़े जो पीस है पनीर का दिख रहा होगा साथ ही साथ. ये देखिए, ये पनीर रैप जो है इसमें फिलिंग के हिसाब से काफ़ी है. मतलब कि जैसे आई थिंक इसमें जो पनीर आपको दिख रहा है ये सिर्फ ऊपर में पीसेस नहीं, ये शायद एक पूरा लॉन्ग है, क्योंकि आई कैन फील इट कि काफ़ी लंबा सा इसमें लेंथ जा रहा है. मतलब कि इतना लंबा पनीर इसमें जा रहा है, तो माल मसाला इसमें बहुत है. और कोक के बारे में क्या ही बोलूँ, वी विल फिनिश इट फर्स्ट और फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि इसका प्राइसिंग क्या होता है. और आप डिस्क्रिप्शन पे भी जा सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेस के बारे में भी मिल जाएगी लोकेशन के साथ साथ. और जो भी इसका प्राइसिंग वगैरह है मैं आपको इसका मेन्यू जो है फ़ोटोज़ पे लास्ट में भी डाल दूंगा या फिर वीडियो के बीच में आपको कहीं पे भी दिख जाएगा. और साथ ही साथ अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जाएंगे तो आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब कि फ़ोटोज़ स्टोरीज पे तो मिल ही जाएगा जिस दिन इस ये वीडियो अपलोड होगी उस दिन तो पक्का मिलने वाला है. और चलिए ठीक है, पहले से फिनिश कर लेते हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे. ऊँट के मुँह में जीरा चलना. क्या बना लो ना, कुछ भी लो, लो दाना वाला भी है. तुम चिकन लो ना, चिकन लो. कैसा लगा? सही में एक्चुअल में KFC के टक्कर का है. KFC में बड़ा बकेट मंगाने से अच्छा है कि ये हम खाएं. बस तुम्हारा छोटा भूख है ना, बकेट ले लेता है फिर वापस कर देगा. पैसा इतना बच गया भैया, वापस दे दीजिए. रियली बहुत अच्छा. सो वी आर डन विद ऑल द स्टफ. और मैं बोलूँ तो जितना भी आइटम हमने ट्राई किया है सारे के सारे ही बहुत अच्छे थे. लिटरली मतलब कि जैसे अगर मेरे को बोलना रहे, सीक्वेंस करना रहे, ठीक है, तो आई लव द बर्गर. एंड उसके बाद मुझे फ्राइड चिकन अच्छा लगा, देन आफ्टर पिज़्ज़ा और फिर फ्राइज और फिर उसके बाद रैप. अब देखो ये सीक्वेंसिंग मैंने इसलिए रखा है जस्ट टू टेल यू कि मतलब कि क्या क्या कितना अच्छा था, ठीक है. बट द थिंग इज़ कि इसको कंपेयर करना बनता ही नहीं है. आई मीन ऑल द वे हर कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा. सो प्राइसिंग वगैरह जितना कुछ है मैं आपको, मतलब कि मेन्यू कार्ड जो भी डाला जाएगा उसमें दिख जाएगा. और नहीं तो एडिटिंग के टाइम पे, मतलब कि जो भी फूड आपको उस वक्त दिख रहा होगा उस टाइम पे उसका प्राइस भी साइड में टैग के साइड आ जाएगा, ठीक है. तो यहाँ के हमने एक कस्टमर से पहले भी बात किया था, आपने वो बीच में देख लिया होगा, और उनको हमने एक कार्ड दिया था, ठीक है. तो आपको एक कार्ड के बारे में हमारा पहले भी पता होगा, बट ये कार्ड एक अलग है जो हमने ऑडियंस को दिया था. तो वो क्या है दिखाता हूँ. मतलब कि देखिए ये फ्रंट साइड तो है इसका और इसका बैक साइड ब्लैंक है, ठीक है. तो जो मेरा जो ओरिजिनल कार्ड है उसमें बैक साइड पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो कि पर्सनल है मेरा. सो वो मैंने नहीं दिया है, वो सिर्फ गिव अवे पार्टिसिपेंट्स को जाएगा और जो भी रेस्टोरेंट्स के उनके पास होता है वो चीज़. और ये वाला जो है ये कॉमन ऑडियंस के लिए है, तो ये जिनसे भी मेरा मीटअप होता है वो इनके साथ जाएगा. तो आई कुड नेम इट एज नॉट लाइक
विजिटिंग कार्ड, विजिटेड कार्ड. ओके, सो अभी के लिए इतना ही, और आपसे मिलते हैं एक नए और फूड के वीडियो के साथ. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.